जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आदित्य चौधरी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि हमारे देश ने स्पेस के क्षेत्र में जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, कल चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है, उसके लिए आप सभी को बधाई। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे पहले वीडियो को इतने ज़्यादा लाइक और शेयर्स पसंद किया, उसके लिए आपका हद से ज़्यादा शुक्रिया। जैसा कि आज का कंटेंट है कि प्रोसेस एंड कोर्स लाइक क्या, प्रोसेस एंड कॉस्ट ऑफ दिस कनाडा वीज़ा, तो मैं आज आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि शुरू से लेके आखिरी तक आपका कनाडा आने में खर्चा कितना होता है। अब आपने सोच लिया है कि कनाडा आपको जाना है, सारी चीज़ें तैयारी हो गई, दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि हमें कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपने अगर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है तो आइल्स तो करना पड़ेगा, और आइल्स करने के लिए फीस होती है 16,250। आप उसको एकेडमिक भी कर सकते हैं या जीटी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आईआरसीसी दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करता है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ केवल एकेडमिक एक्सेप्ट करती हैं। तो आप आइल्स एकेडमिक दें, उसका खर्चा 16,250 है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, उसका दूसरा सबसे उसके बाद जो खर्चा आता है कि आइल्स की कोचिंग। अगर आपको इंग्लिश आती है, ठीक ठाक अच्छी बोल लेते हो, समझ लेते हो, तो यूट्यूब पे कंटेंट्स भरे पड़े हैं, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन किसी को नहीं आता है इंग्लिश में, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो आप क्या करें, कोचिंग लगा सकते हैं, जिसका जनरली अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट हैं, कहीं 6,000 लग रहे हैं, कहीं 8,000 लग रहे हैं, 10,000 लग रहे हैं, तो उसका 1 महीने 1.5 महीने में आइल्स की तैयारी हो जाती है, तो 10,000 से 12,000 रुपये का उसका खर्चा है। अभी आइल्स भी हो गया आप, और कोचिंग करने के बाद आपने आइल्स क्लियर भी कर लिया, ओवरऑल 6 बैंड लेके भी आ गए आप। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था अगस्त से पहले कि आपको हर मॉड्यूल में मिनिमम 6 इन ईच चाहिए होता था, अभी ऐसा नहीं है। आईआरसीसी ने क्या बोला है कि आपको ओवरऑल 6 चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई, अब आइल्स उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। आइल्स क्लियर हो गया, अब हम करते हैं यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को ढूंढने की प्रक्रिया चालू। आप इंडिया में हो सकते हैं, मैच्योर स्टूडेंट हैं या कुछ और हैं, या अपने किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में है या किसी और लाइन में, तो सबसे पहले आप चूज़ करें कि आपको किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाना है। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो $100 होती है, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 6,000 रुपये। आप 2-3 कॉलेजेस को सिलेक्ट करें और उनमें अप्लाई करें और ऑफ़र लेटर लेने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट की सहायता ले सकते हैं। कंसल्टेंट्स के पास यूनिवर्सिटी के साथ, कॉलेजेस के साथ कनेक्शंस रहते हैं, वो क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कराने के लिए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन कंसल्टेंट्स की तकरीबन कोई फीस नहीं होती है। हाँ, कुछ मेच्योर केसेस में जो 30-32, मैंने अपने 45-50 साल के या 42 साल के या मेरे जैसे बंदे रहते हैं, उनके केसेस में फीस रहती है। अब आपका, आपने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया है, आपका आइल्स भी क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि कैनेडा में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की फीस क्या चल रही है सेशन 2023 और 2024 के लिए। अधिकतर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस जो है एक साल की, वो रेंज करती है $17,000 से लेके $20,000। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि आप $20,000 मान के चलें, कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी सी और ज़्यादा, $21,000 भी है, तो हम मान के चलते हैं कि $20,000 उस आप जिसने जो भी आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है उसकी $20,000 के आसपास फ़ीस है, तो 12 लाख रुपये इंडियन कन्वर्शन में वो होता है। आपने फीस भी जमा कर दी, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है जो मैंडेटरी होती है SDS कैटेगरी के लिए, GIC गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, जो मिनिमम $10,000 का होता है, मैक्सिमम $20,000 तक का कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा डालें, 10,200 डालें या 11,000 डालें, तो मैं मान के चलता हूँ 10,200 आपने ऐसे GIC के लिए डाल दिए, तो इसका तकरीबन 6,12,000 रुपये होता है, ये आपका एक खर्चा है। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद एक चीज़ होती है मेडिकल। कैनेडियन वीज़ा, स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको सबसे पहले एक मेडिकल भी देना पड़ता है, जिसकी तकरीबन खर्चा होता है 6,000, इंडिया में 6,000-7,000, किसी जगह पर 4,000 भी है, बट अगर आपके शरीर पर कोई टैटू है तो उसका एडिशनल खर्चा होगा $3,000 और, तो तकरीबन 8-9,000 रुपये इसका खर्चा आ जाता है मेडिकल का। आप सारी चीज़ें आप रेडी हो गई और आप वीज़ा फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, बायोमेट्रिक्स और फाइलिंग की फ़ीस जो होती है, $150 फाइलिंग फ़ीस, $80 बायोमेट्रिक्स के होते हैं, टोटल $230।
ये तकरीबन होते हैं 14,000 इंडियन रुपए। आपने ये सारा करके आपने अपनी फाइल लॉग इन कर देनी है और सबमिट कर देनी है और वीज़ा का इंतज़ार करना है। अब आपका वीज़ा आ गया, यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन, आपका वीज़ा आ चुका है। शॉपिंग, फ्लाइट टिकट्स, जद्दोजहद चालू, इनके भी खर्चे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कितने कितने खर्चे होते हैं। वीज़ा आने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो है फ्लाइट टिकट बुकिंग करना। फ्लाइट टिकट का ऐसा होता है कि आप ये सब जान के चलिए कि अलग अलग शहरों से अलग अलग किराए होते हैं। दिल्ली से अगर मोस्टली इंडिया में जो फ्लाइट्स होती हैं वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से ऑपरेट होती हैं, तो आप ट्राई करें कि आप दिल्ली या मुंबई से फ्लाइट लें और कनेक्टिंग फ्लाइट्स लें, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट का जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी 2 लाख की टिकट आती है, कभी कभी 2.5 लाख की आती है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लें, आप कनेक्टिंग फ्लाइट लें। जैसे पॉलिस एयरलाइंस की कनेक्टिंग फ्लाइट है, 1,20,000, 1,25,000, 1.5 लाख तक के आसपास आपके फ्लाइट का खर्चा होगा। तो ये मान के चलिए फ्लाइट का खर्चा आपका 1.5 लाख तक आ जाएगा। अगर आप समय से पहले बुक करेंगे तो वो खर्चा और भी कम हो सकता है। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा, अगर आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प है, तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट लें यूएस से, वो और भी सस्ती पड़ेंगे। 60,000, 70,000 रुपये में आपको कनाडा की फ्लाइट्स मिल जाएंगी। ये फ्लाइट का खर्चा हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ध्यान से बताना चाहूँगा, याद रखिएगा, जो फॉल इंटेक होता है, यहाँ पर मारामारी होती है फ्लाइट्स की। फ्लाइट्स के टिकट्स मैंने देखे हैं 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख कनेक्टिंग फ्लाइट्स के। तो ये आप विशेष ध्यान रखें फ्लाइट्स के टिकट्स का। जिस दिन वीज़ा आता है, एक कंसल्टेंट, कोई भी ट्रैवल एजेंसी जुड़ें या डायरेक्ट करें, लेकिन जल्दी से जल्दी फ्लाइट का टिकट बुक करें। रिफंडेबल ऑप्शन ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि रिफंड ऑप्शंस नहीं होगा, कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड का पैसा वेस्ट हुआ, उसके 2 लाख रुपए पूरे वेस्ट चले गए, क्योंकि उसके घर में, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई थी जिसके कारण वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाया, तो 2 लाख रुपए का उसको एडिशनल नुकसान हो गया। उसके बाद आता है शॉपिंग का। यहाँ पर मैंने देखा है, खासकर लड़कियों के लिए, शॉपिंग में ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, क्योंकि आप सोच के अगर ये आ रहे हैं कनाडा बहुत ठंडा है, हम इंडिया से सारे ठंडे जैकेट्स वगैरह लेके जाएंगे, आई विल से नहीं काम करेंगे। यहाँ पर आए, इंडिया से सस्ते मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, वेदर रेटिंग मिलेगा, आप नॉर्मल शॉपिंग कर सकते हैं, जो जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। लड़के जीन्स जरूर लेके आए, 7-8 जीन्स लेके आए बढ़िया तरीके से, 25-30 हज़ार या 35 हज़ार। लड़कियाँ 50 हज़ार तक कर सकती हैं, समझ सकते हैं, उनकी उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। अब आपने शॉपिंग भी कर ली। कई और लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कैनेडियन आते वक्त, कनाडा में आते वक्त कितने डॉलर डॉलर लेके आए। भैया आपको जीआईसी तो बाद में मिलेगी, आप कनाडा लैंड करेंगे तो खर्चे तो आपके पहले दिन से चालू हो जाएंगे। आपके पास कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मेरा अनुमान कहता है, मेरा अनुभव कहता है 1,500 से 2,000 डॉलर। क्यों, मैं बताता हूँ। कि जैसे ही आप आओगे, आप किसी के साथ शेयरिंग में मूव करोगे या कहीं जाओगे, तो मिनिमम आपको 1 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का रेंट देना होता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से रेंट है 500, 450 से लेके 550 के बीच। तो 2 महीने का तकरीबन रेंट जाएगा वो 1,000 डॉलर होता है। स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो थोड़े से खर्चे ज़्यादा होते हैं, आपको बस पासेस लेने होते हैं या कुछ और भी चीज़ें लेनी होती हैं, तो 500 डॉलर पता नहीं लगते कब चले जाते हैं। जीआईसी मिलेगी आपको, जब जिस दिन आप बैंक अकाउंट्स खुलवा लेंगे तो जीआईसी मिलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 1,500 से, मिनिमम 1,500 से 2,000 डॉलर अपने पास लेके आए। सब कुछ रेडी हो चुका है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फ्लाइट टिकट्स, एवरीथिंग बुक, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि कनाडा वीज़ा का टोटल खर्चा कितना हुआ। हमने शुरुआत करी थी आईल्स से, जिसका खर्चा है 16,250 रुपये। आईएलटीएस की कोचिंग के लिए तकरीबन 10,000 रुपये खर्चा, कुछ लोग बचा भी सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी के लिए, ये हमने 3 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, इसके खर्चे 18,000 रुपये हैं। यहाँ पर मैंने कोई कंसल्टेंट की फ़ी इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि मोस्टली के मोस्ट केसेस में क्या होता है, कंसल्टेंट की कोई फ़ीस नहीं होती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो तकरीबन 12 लाख रुपये है, 20,000 डॉलर थी। उसका कन्वर्सन अगर हम करेंगे तो इंडियन रुपीज़ में 12 लाख रुपये होगा। जीआईसी मैंने बोला था कि तकरीबन 10,200 डॉलर डालें, इसका जो इंडियन रुपीज़ में होता है 6,12,000 रुपये होता है। मेडिकल का खर्चा है 6,000 रुपये, टैटू है तो 9,000 रुपये हो जाएगा,
वीज़ा फाइलिंग और बायोमेट्रिक्स के खर्चे होते हैं तकरीबन 14,000 रुपये के आसपास। फ़्लाइट की टिकट होती है जैसा मैंने बताया, जितनी जल्दी अगर आपके US का वीज़ा है तो फ़्लाइट सस्ते की होगी, बट हम ऑन एवरेज मान के चलते हैं कि 1 लाख और 1,25,000 के आसपास आपकी फ़्लाइट की टिकट होगी। शॉपिंग 35,000 रुपये बहुत बढ़िया अमाउंट है शॉपिंग के लिए, 50,000 भी कर सकते हैं, ज़्यादा शॉपिंग ना करें, बेटर है कि कनाडा में सारी चीज़ें मिलती हैं। कनाडा इज़ वन ऑफ द एडवांस कंट्री, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी यहाँ के शॉपिंग करें। डॉलर जैसा मैंने बताया 1,500 से 2,000 डॉलर लेके आए, अगर इंडियन मनी में हम इसका रेट एक्सचेंज करें तो तकरीबन 1,00,000 से 1,20,000 रुपये होता है। ये सारा खर्चा है आपका शुरू से लेके आखिरी तक, अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तकरीबन ये आएगा 21,50,000, 21,50,000 रुपये। ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि मैंने जो डॉलर का रेट लिया है वो 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू 60 इंडियन रुपीज़, रेट 61 भी हो सकता है, कभी कभी 62 भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं कोशिश करूँगा कि इससे और भी बेहतर जानकारी आपको दे सकूँ। मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि किसी के और चक्कर में बोल रहा हूँ, बट या दिस इज़ माई ट्राई एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।